नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम हाजिर है एक बहुत ही सटीक और सही आंकड़ा लेकर। दोस्तों, सरकार 50,000 फ्रेश शिक्षक बहाली करे फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगी एक भी महिला अभ्यर्थी। और आइए जाने कि अभी तक कितनी हो चुकी है फ्रेश बहाली। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर हम आकलन के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले सही और सटीक आंकड़ा की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। दोस्तों हम आपको बता दें और आप सभी जानते हैं कि 2 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि 1,22,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है। परंतु बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर छन के आई कि मात्र 95,000 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग कराई है। और हकीकत भी है दोस्तों, क्योंकि कल के समाचार पत्र में भी यह बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि 10,000 नियोजित शिक्षकों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। तो इस तरह से दोस्तों 95,000 अभ्यर्थियों वाली बात बिल्कुल सत्य है और सटीक है। इसी के आधार पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रथम फेज के अंतर्गत 1,70,000 अभ्यर्थियों की वैकेंसी निकाली गई थी। 1,70,000 अभ्यर्थियों, जी हाँ, 1,70,000 सीटें वैकेंट की गई थी, जिसमें 90,000 सीटें लगभग मैं आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के थे। और इस तरह से कुल बच गए 80,000 सीटें। जी हां, 80,000 सीटें, जी हां, बोर्ड से मैं लिख देता हूं, 80,000 सीटें ही बच गए जो कि प्राथमिक कक्षा के लिए 1 से 5 के लिए हुए। और आप सभी भी जानते हैं कि 79,000 समथिंग सीटें थी। दोस्तों, अब जान ले आप कि पूरे प्रक्रिया में, काउंसलिंग की प्रक्रिया में 95,000 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग कराई। और आप जान चुके हैं कि सेकेंड फेज की जो बहाली हुई उसमें से 50,263, जी हां, 50,263 सीटें सेकेंड फेज में समाहित कर दी गई है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के। तो इस तरह से दोस्तों, मैं अगर 95,000 जो कि काउंसलिंग कराए हैं तमाम अभ्यर्थी, उसमें से 50,000 सीटें सेकेंड फेज में जोड़ देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में कुल 90,000 में से 40,000 सीटें भरी गई। और 40,000 जब सीटें भरी गई, जी हाँ, 40,000 जब सीटें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के भरे गए, तो आप सभी जान ले कि कुल मिलाकर 55,000 सीटें भरी गई 1 to 5 के लिए। मात्र 55,000 1 to 5 के लिए दोस्तों। और इस 55,000 में आप जान ले कि 28,000 नियोजित शिक्षकों की बात कही गई है, जिसमें कल के समाचार पत्र में यह खबर छन के आई है कि 10,000 नियोजित शिक्षकों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। तो इन 55,000 में से हम 18,000 नियोजित शिक्षकों की संख्या घटा दें दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर बच जाएंगे 37,000 सीटें। यानी 37,000 सीटें 1 to 5 के लिए। और इतना ही नहीं, इसमें 5,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी है या फिर जो सीटेड क्वालिफाइड नहीं है, जो कि डीएलएड क्वालिफाइड नहीं है। ऐसे लगभग 5,000 अभ्यर्थियों ने भी काउंसलिंग करा ली है और उन्हें भी नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है और विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। तो 5,000 में इसके सीटों को भी घटा दूं दोस्तों, तो कुल मिलाकर बचेंगे 32,000 सीटें। ये 32,000 अभी तक फ्रेश सीटें आई है दोस्तों, जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों, 32,000 के बाद हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक जिन्होंने 10,000 काउंसलिंग नहीं कराई, इसके बाद भी 5,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं
जो नियुक्ति पत्र लेने के उपरांत भी विद्यालय योगदान नहीं कर रहे हैं या उनके साथ समस्या सुदूर विद्यालय आवंटन है, इसके अलावे NIOS का मामला है दोस्तों। तो इस तरह से मैं 5000 सीटें घटा दूं दोस्तों तो कुल मिलाकर बच जाते हैं 27000 सीटें। अब दोस्तों इन 27000 सीटों में हमारा कहना है कि ये 5000 भी सीट घटते ही नियोजित शिक्षक वाले तो उस पर फ्रेश अभ्यर्थी ही जाएंगे। जब फ्रेश अभ्यर्थी जाएंगे तो इस तरह से 27000 फ्रेश हुए और इसमें 23000 अगर और जोड़ दिए जाते हैं, 23000 नई सीटें, जी हाँ फ्रेश सीटें जोड़ दी जाती है, तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 50000 फ्रेश सीटें दोस्तों। और मेरा यही कहना है दोस्तों कि 50000 फ्रेश सीटें भर दी जाए तो दावा है मेरा कि बिहार के साथ साथ बाहर की भी एक भी महिलाएं ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 2019 की बहाली जिसे नियुक्ति पत्र 2022 में प्रदान की गई थी उसे नजदीकियों से देखा है दोस्तों, काफी निकट से मैंने देखा है। सिर्फ 45000 सीट भरने के उपरांत तमाम महिला अभ्यर्थियों के सीट खाली रह गए थे दोस्तों, और उसमें भी बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थी थे, इसके साथ साथ बीएड अभ्यर्थी भी थे। तो हम इस मुद्दे पर ये काफी गंभीर थे कि आखिर इतनी सारी बहाली होने के बाद भी इतने सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, हमारा मौका नहीं आया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर आ पाएगा या फिर नहीं। तो तमाम व्यूअर्स अपने व्यूअर्स के कमेंट के आधार पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है कि सरकार 23000 कुल मिलाकर 23000 दोस्तों नए और फ्रेश सीटें भर देती है तो एक भी महिला बची नहीं रहेगी। और दोस्तों कट ऑफ अगर 10 अंक नीचे नहीं चला गया तो कमेंट में जो कहना हो कह देना मेरे दोस्तों, 10 अंक 100% नीचे जाएगा सिर्फ सरकार 50000 फ्रेश बहाली कर ले। और सरकार के पास ये ऑप्शन है दोस्तों, उनके पास 89000, मानते हैं कि उन्होंने 72000 ही रिजल्ट दी है, नियोजित शिक्षक 18000 ही काउंसलिंग कराए हैं दोस्तों। तो सरकार की ये अधिकार बनती है, सरकार का ये कर्तव्य है कि नियोजित शिक्षक के बाद भी 23000 ही मात्र फ्रेश बहाली करने हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार करेगी भी, क्योंकि अतुल प्रसाद महोदय ने स्पष्ट रूप से ये बयान जारी कर दिया था कि चाहे सेकेंड मेरिट लिस्ट हो या थर्ड मेरिट लिस्ट हो, तमाम सीटों को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हम भरेंगे। तो आप जान लें कि 23000 सिर्फ हमें चाहिए, उम्मीद फ्रेश बहाली गारंटी है, तमाम अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थियों की सीटें खाली रहेंगी, किन्हीं को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे 42 अंक है, मुझे 47 अंक है, मुझे 53 अंक है, मुझे 48 अंक है, सभी के सभी महिला अभ्यर्थी शिक्षक निश्चित रूप से बन जाएंगे, और इक्का दुक्का जनरल अभ्यर्थी और BC अभ्यर्थी बचेंगे पुरुष के दोस्तों, 10 अंक निश्चित रूप से कटअप नीचे गिर जाएंगे और हमारे बिहार के युवाओं को, बिहार के नौजवानों को शिक्षक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अतुल प्रसाद महोदय और अपर शिक्षा सचिव महोदय के पाठक महोदय जी से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि महोदय तमाम अभ्यर्थियों के हित का ख्याल रखते हुए कम से कम 50000 फ्रेश सीटें भरी जाए ताकि हमारे बिहार के साथ साथ बाहर के भी महिला अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना साकार हो सके। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप अपने तमाम सगे संबंधी और दोस्तों के पास ये सही आंकड़ा बता दे दोस्तों, ये सही आंकड़ा बता दे ताकि उन्हें भी सटीक जानकारी हो जाए और वो भी सरकार से ये मांग करे कि कम से कम 50000 फ्रेश सीटें भरी जाए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।